गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आप सबसे मिलकर के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं इस टाइम हूँ कश्मीर में, जिसको हम बोलते हैं कि धरती पर स्वर्ग। तो दोस्तों, आज मुझे लगा कि आप लोगों से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो आज एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जो लोगों के सपने पूरे करती है, सिर्फ सपने दिखाती नहीं है, सपने हकीकत में बदलती है। और इस इंडस्ट्री में आज हजारों लाखों लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर भी रहे हैं। एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है और एक खास व्यक्ति बन जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत गरीब होता है और इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक अमीर कैटेगरी में आ जाता है। तो ये इस इंडस्ट्री की पावर है। ये वो इंडस्ट्री है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, हमें टाइम फ्रीडम देती है, हमें आज़ाद पंछी बना देती है और हम अपने चाहतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ना कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये सिखाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। एक आम व्यक्ति को लगता है शायद जो किस्मत में लिखा है वही मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है कि इंसान चाहे तो अपनी किस्मत की रेखाएं भी बदल सकता है। और वाकई इसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया है। मैंने देखा इस इंडस्ट्री में कैसे एक टैक्सी ड्राइवर वाला, एक कैब ड्राइवर वाला आज मर्सिडीज बेंच चला रहा है, BMW में घूम रहा है, कैसे एक दूध बेचने वाला भी आज इस इंडस्ट्री में आकर के सक्सेसफुल हो गया है। और इस इंडस्ट्री की खासियत और है कि इसमें हर प्रकार के लोग आते हैं, चाहे वो पहले से ही अमीर क्यों ना हो, पहले से ही करोड़पति क्यों ना हो, चाहे वो एक CA है, चाहे वो एक IAS ऑफिसर है, चाहे वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं। तो क्या कारण है कि इस इंडस्ट्री को आज हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस इंडस्ट्री को बदनाम भी किया गया है, खास करके इंडिया में। हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री को लोग गलत नज़र से देखते हैं, लोग इसको ठगी का बिजनेस कहते हैं, लोग इसको फ्रॉड भी मानते हैं। तो दोस्तों, ये असल में मैं तो एक बात मानता हूं कि कंपनी ठग नहीं होती, लोग ठगे जाते हैं इसलिए कंपनी उसको ठगती है। अगर एक इंसान आज के मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में गूगल है, आज के टाइम में इंटरनेट की सुविधा है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, खास करके इंडिया में स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है, तो हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। इस इंडस्ट्री में ये तय है कि कोई भी व्यक्ति आता है और यहाँ पर आकर के मिलियनर भी बनता है और करोड़पति भी बनता है, अरबपति भी बनता है, लेकिन क्या कारण है कि लोग इस इंडस्ट्री में आकर के बर्बाद भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी कोई सख्ती से एक्शन नहीं लिया है, इसलिए आज बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी, बहुत सारी मार्केट में पैसा डबल ट्रिपल करने वाली कंपनी भी आ रही है। और ये कारण है कि लोग मार खाते हैं, उन कंपनियों में फंस जाते हैं, शॉर्टकट के को अपनाना चाहते हैं लोग, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर 1 लाख लगा करके 2-5 लाख बन सकता है तो हम लगा देते हैं, और बाद में कई लाखों का नुकसान करके फिर बाद में कहते हैं इंडस्ट्री ही खराब है। दोस्तों, असल में इस इंडस्ट्री का कोई दोष नहीं है, दोष है उन लोगों का जो शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं, जिनको लालच आ जाता है कि हम एक ही महीने में लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें साफ साफ कहा है कि कोई भी मनी सर्कुलेशन कंपनी लीगल नहीं है इस इंडस्ट्री में, उसको इलीगल का टाइटल मिला है। अगर आप मनी सर्कुलेशन कंपनी में जाते हैं, जो भी कंपनी करेंसी बेस अगर आप उसमें काम करते हैं, तो बाद में आप ठगे जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग का बिजनेस है। विदाउट इन्वेस्टमेंट किए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया जाता है, ये साफ साफ गाइडलाइन में लिखा है।
लेकिन अगर अगर कोई भी किसी प्रकार की करेंसी को लेकर के कोई कंपनी आती है मार्केट में और लोग उसमें ज्वाइन होते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद में आपको बिना काम के हर महीने इतना पैसा आता रहेगा, ये साफ साफ बताता है कि आपको लालच आया कि इतना पैसा लगाने से मुझे बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना कोई एफर्ट किए खाली पैसा लगाने से पैसा आता रहेगा और आप अपना पैसा फंसा देते हैं और ऐसी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भाग जाती है। और ये पहले भी होता आया है, 2010 से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी आई, उन्होंने एकदम से जैसे गुब्बारे में गैस भर देते और हवा में उड़ता है, ऐसी ऐसी कंपनियां आई और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रमोट किया कि हजारों लाखों लोगों ने को लगा कि शायद ये कंपनी उनकी जिंदगी बदलने वाली है और उन्होंने अपना बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दी और रोड पे आ गए क्योंकि कंपनियां लाखों करोड़ों लेकर के भाग गई। दोस्तों सही तरीका क्या है, पहले तो आप गाइडलाइन को ध्यान से पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मनी सर्कुलेशन कंपनी इज इलीगल। दूसरा, मार्केट में एक बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं या लोगों को ऐसा लगता है कि शायद छोटा प्लान यानी कि दो लेग वाली जो कंपनी है उसमें हम जल्दी अमीर बन सकते हैं, जिसको लोग बोलते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट। और मार्केट में ऐसी बाइनरी कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली भी बहुत सारी कंपनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर दो लेग वाला प्लान इतना सिंपल होता, दो लेग वाला प्लान इतना आसान होता, तो आज जो बड़ी बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री में जिनको 15 से 20 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो वो दो लेग का प्लान क्यों नहीं लेकर के आई। जो आज इंडिया की नंबर वन कंपनी है वेस्टीज, जो एशिया में भी पूरी छाई हुई है, वो दो लेग का प्लान लेकर के क्यों नहीं आई। आज अगर हम इंटरनेशनल कंपनी की बात करें, एमवे जैसी कंपनियां भी दो लेग का प्लान लेकर के क्यों नहीं आई, जो कि आज इस इंडस्ट्री में सबसे पहली कंपनी माना जाता है जिसको, और भी बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज है, वो दो लेग का प्लान लेकर के क्यों नहीं आई, जो आज 10 साल से 15 साल से टिकी हुई है। दोस्तों ये गलत फहमी में ना रहें कि जितना प्लान छोटा होगा यानी कि दो लेग का प्लान होगा तो आप जल्दी अमीर बनेंगे, ये फंसाने का एक अच्छा तरीका होता है। और सबसे ज़्यादा जो सफलता के मार्ग पर पहुंचने वाले लोग हैं वो जनरेशन प्लान के हैं, बाइनरी के नहीं हैं। और ये बाइनरी प्लान वाली कंपनियां बाद में अपने प्लान को चेंज करती हैं, फिर जनरेशन में लेकर के आती हैं, लोगों के करियर का बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है और या वो बंद करके चली जाती है। तो दोस्तों मेरे कहने का एक ही मतलब है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत बहुत जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट है। अगर आप इसको सिस्टम से काम करते हैं, एजुकेशन के साथ काम करते हैं, एक टीम बना करके, नेटवर्क बना करके और उसको पूरा अच्छे तरीके से फॉलोअप ले करके एजुकेशन के साथ काम करते हैं, तो आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज अगर एशिया के नंबर वन अर्नर है नेटवर्क मार्केटिंग से वेस्टीज से, मैं बात करूंगा सिद्धार्थ सिंह की, तो वो कोई 2 लाख नहीं चला रहे हैं आज, वो भी अपनी 20 लाख मेंटेन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको 20 लाख मेंटेन करनी है, मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी बड़े मिलियनर हैं वो मल्टी लैग्स पे काम करते हैं। दोस्तों अगर आप नेटवर्क बनाते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले जो इनकम आने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो ये होता है कि कंपनी की लीगलिटी को जानना। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पैसा कैसे आता है, यानी कि उसका सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी कितने साल का एक्सपीरियंस लेकर के स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में आज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आज मार्केट में 30-40 कंपनी ऐसी हैं जो एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, जो अभी अभी आई है, कोई 5 साल से आई है, कोई 4 साल से आई, कोई 3 साल से आई है, शायद कुछ को ज्यादा साल भी हो गए हैं लेकिन ग्रोथ में नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनी आज घूम रही है वो आपको मार्केट में बताती है हमारा प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारा प्लान बहुत सिंपल है, नई नई कंपनी आई है और जो नई कंपनी में ज्वाइन करता है वो उस कंपनी का हीरो बन जाता है,
और बहुत जल्दी आप ग्रोथ करते हैं। अरे पुरानी कंपनी को तो लोग पहले से ही जानते हैं, पुरानी कंपनी के बारे में तो पहले से ही सुना होता है, तो लोग उसमें ज्वाइन नहीं होते। और लोग इस चक्कर में ये सर्च करते रहते हैं, अरे अभी कौन सी नई कंपनी आई है उसमें काम करते हैं तो हम जल्दी आगे पहुंचेंगे। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, और इसी बड़ी गलती की वजह से आज आप 15 साल से 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में होते हुए भी अभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और अभी भी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमारी गलती होती है किसी नई कंपनी को सर्च करना मार्केट में। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको अपनी वाइफ खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी आ जाए और आपको अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराना पड़े, आप अपने चहेते बेटे का ऑपरेशन कराना पड़े, तो क्या आप किसी नए डॉक्टर के पास जाएंगे जो मार्केट में अभी अभी MBBS या MD करके आया है, या जिसने अभी अभी नया हॉस्पिटल खोला है? क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे अपने बच्चे का या अपनी वाइफ का ऑपरेशन कराने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि सबसे पुराना डॉक्टर जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसने बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन सर्जरी की है, आप जरूर उसके पास लेके जाना चाहेंगे। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, मार्केट में आने वाली नई कंपनीज के लालच में आकर के हम अपना विवेक यूज नहीं करते और उसमें फंस जाते हैं। बाद में दिक्कत आती है कि सर क्या करें, पे आउट नहीं आ रहा है, इतने साल के बाद भी 10 कंपनी बदलने के बाद भी वो फिर इस इंडस्ट्री को ही बदनाम करके चले जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है। दोस्तों फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। जिस कंपनी का आपने चुनाव किया तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। मेरा जो 13 साल का तजुर्बा है वो इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल पर्सन का रहा है। इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है। एक सेकेंड हैंड साइकिल से जैगुआर की जर्नी की है, बहुत अच्छी एक लग्जरी लाइफ जी है। तो मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे एक्सपर्टीज से नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर से सीखा है। और एक बात मुझे जो सीख के पता लगी है कि सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स देखने जरूरी हैं किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले। दोस्तों मैंने एक ही चीज़ देखी है, सबसे पहले उस कंपनी की ग्रोथ जरूर चेक करें कि वो कंपनी की जो पिछले साल से इस साल की ग्रोथ है वो कितने परसेंटेज में है, और उसके लिए जरूरी है कि वो कंपनी कितने साल से चल रही है। दोस्तों एक नई कंपनी को सेट होने में 10 से 15 साल लगते ही हैं। तो पहली बात तो आप ये देखिए कि 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा साल वाली कंपनी कौन सी है मार्केट में, क्योंकि जो पुरानी कंपनी होगी वो इतने लंबे एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में काम कर रही है, तो जितने भी उतार चढ़ाव उसको देखने थे वो देख चुकी है। दूसरा, सिर्फ पुरानी होने से ही बात नहीं बनती, क्योंकि मार्केट में ऐसी भी कंपनी है जिनको 20 साल हो गया है लेकिन उनकी अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल पहले भी वो उतना ही टर्नओवर कर रही थी, 10 साल बाद भी उतना ही टर्नओवर कर रही है। मार्केट में और भी बहुत सारी पुरानी कंपनी है जो पहले ग्रोथ में थी और अब वो ग्रोथ की बजाय डीग्रोथ में जा रही है। हो गए उनको 15 साल लेकिन आज जो 10 साल पहले उनकी ग्रोथ थी आज वही टिकी हुई है। तो दो चीजों का बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। कंपनी पुरानी होनी चाहिए जिसको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, उस कंपनी की ग्रोथ क्या है जब से वो कंपनी लॉन्च हुई है, क्या उसका जो ग्राफ है वो अप्स एंड डाउन चलता रहता है? अगर कंपनी कभी ऊंचाई पर जा रही, कभी वापस नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही, कभी पैरेलल चल रही है, इट मींस कंपनी अभी स्टेबल कंपनी नहीं है। जरूरी है उस कंपनी का कंटिन्यू ग्रोथ करना। पिछले साल से अगले साल का बिजनेस उसका 50% से ज्यादा ग्रोथ में कम से कम होना चाहिए। दूसरा, उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी, नो डाउट अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तभी वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में, तभी उसकी रीसेल होगी। तीसरी बात, कंपनी का जो प्लान है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी को बार बार बदलना पड़े। अगर कंपनी बार बार प्लान में बदलाव ला रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो प्लान है वो सही नहीं है। कंपनी अपने हिसाब से इसको अपने प्रॉफिट के लिए बार बार उसको मॉडिफाई कर रही है। प्लान सस्टेनेबल होना चाहिए। प्लान में ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखती है। अगर प्लान जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, समझ लो आपका प्लान आप कैलकुलेट कर पाएं हर महीने की आपका कितना पे आउट आने वाला है, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तीसरा, प्लान जनरेशन में होना चाहिए
और प्लान सिंपल होना चाहिए जिसको हर कोई अचीव कर पाए। प्लान में एक खासियत ये होनी चाहिए कि उस कंपनी के प्लान में जब आप कोई भी लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपको वापस जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। मैं देखता हूं कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी कहती हैं आपको 3 मंथ मेंटेन करना है अपने लेवल को, उसके बाद आप अचीवर बनते हैं इस फंड के। कोई भी फंड, चाहे वो कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रेवलिंग फंड है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बाइक फंड है, चेयरमैन फंड है, एम्बेसडर फंड है, क्राउन एम्बेसडर फंड है, दोस्तों अगर आप किसी फंड को 3 मंथ मेंटेन कर लेते हैं और 4th मंथ फिर से आपको सेम लेवल मेंटेन करने पर वो फंड मिल रहा है, तो फिर आपको कंपनी ने बेवकूफ बनाया कि आपको पहले 3 मंथ मेंटेन कराया और आपको फंड नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था कि व्यक्ति 3 महीना मेंटेन करने के बाद शायद 4th महीने नहीं मेंटेन करेगा, लेकिन 3 महीना जो आपने मेंटेन किया उसका पैसा कंपनी के पास रहा, आपको नहीं मिल पाया। दोस्तों एक सही सिस्टम क्या होना चाहिए कि या अगर आप किसी लेवल को मेंटेन करते हैं तो उसके बाद आप मिनिमम सिल्वर लेवल मेंटेन करने पर भी आपको फंड मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर आपने कोई बड़ी अचीवमेंट की है तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कोई भी बिजनेस अपना सेम लेवल मेंटेन नहीं करता, लेकिन अगर आप मेंटेन कर चुके हैं तो उसके बाद छोटे लेवल मेंटेन करने पर भी आपके फंड्स आने चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसकी प्रोफाइल भी मायने रखती है कि वो कंपनी लोकल एरिया में काम कर रही है, सिटी या स्टेट लेवल पे काम कर रही है, इंडिया लेवल पर काम कर रही है या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। मार्केट में अगर कोई कंपनी सिर्फ लोकली घूम रही है तो वो कोई ज़्यादा ग्रोथ में नहीं जा सकती। दोस्तों मैंने बहुत बड़ा इस कंपनी के ऊपर, ये इस इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया, R&D किया, और उसको देखने के बाद मुझे पता लगा कि मार्केट में लोग कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का कितने साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी का प्लान किस आधार पे बना हुआ है, कंपनी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, उसके आधार पे लोग ज्वाइन नहीं करते। लोग किसी ना किसी लालच में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में फंसते हैं और बाद में इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप कंपनी को सर्च कीजिए सही तरीके से और फिर काम कीजिए। दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, ये इंडस्ट्री लोगों के सपने पूरे करती है, और यही कारण है कि मैंने जब ये सारी खूबियाँ जब मैंने सर्च की तो पता लगा कि इंडिया में एक कंपनी है, इकलौती कंपनी मैं कहूँगा, वो है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आज 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। जो कंपनी आज इंडिया से बाहर 10 कंट्री में चल रही है, ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो इंडिया से बाहर भी 10 कंट्री में काम कर रही है, और इस कंपनी की ग्रोथ रेट 80% से ज़्यादा है। दोस्तों ये कंपनी 2004 में जब स्टार्ट हुई उसके बाद आज तक ये कंपनी 79% से 80% ग्रोथ रेट पर ही चली है। कभी भी इस कंपनी का बिजनेस डाउन नहीं गया, ये कंपनी हमेशा ग्रोथ में रही है, और आज ये इंडिया की नंबर वन कंपनी बन चुकी है, और आज एशिया में भी बहुत सारे कंट्री में ये नंबर वन पे जा चुकी है। दोस्तों इस कंपनी की जो टर्नओवर है, आज इंडिया में जितनी भी कंपनी मार्केट में है, पूरे भारत की जितनी भी कंपनी टर्नओवर कर रही है उससे सीधा डबल टर्नओवर खाली इकलौती कंपनी करने वाली ये है। आज 3000 करोड़ की कंपनी वेस्टीज बन चुकी है, मार्केट में अभी कोई भी कंपनी 1200-1500 करोड़ से भी आगे नहीं पहुंची है। और बात करूं एक्सपीरियंस की तो इस कंपनी का प्लान इतना सिंपल, इतना सरल है कि आप अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितनी भी आप लेग मेंटेन कर लेते हैं, बाद में अगर आप सिर्फ सिंपल 1 लाख भी मेंटेन करते हैं तो आपको सारे फंड्स मिलते हैं। ये इस प्लान की खूबसूरती है। यही कारण है कि आज इस कंपनी में हजारों लोग लखपति हैं, यही कारण है कि इस कंपनी में सैकड़ों लोग मिलियनर हैं, यही कारण है कि इस कंपनी में आज हजारों कारें आ चुकी हैं, सैकड़ों लग्जरी कार्स आ चुकी हैं, और आज एशिया का सबसे बड़ा अर्नर इसी कंपनी में है। अगर मैं टॉप 50 लीडर्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मिलियनर, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले आज इसी कंपनी में है। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में राज करने वाली है। कंपनी का मिशन है आने वाले 2 से 3 साल में ये कंपनी 20,000 करोड़ की टर्नओवर करके वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में अपना नंबर बना चुकी होगी। आज मार्केट में टॉप 100, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड की टॉप 100, तो उसमें अभी तक इंडियन कंपनी नहीं है।
मात्र वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो आज वर्ल्ड की टॉप 100 तो छोड़िए दोस्तों, टॉप 36 रैंक पे आ चुकी है और आने वाले इस 2 साल में आप देखेंगे कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी का एक पार्ट होगी। मुझे प्राउड है ऐसी कंपनी में ज्वाइन होकर के, और यही कारण है कि मात्र 5 महीनों में मैंने वेस्टीज में आकर के एक टॉप लेवल को अचीव किया। जून 2022 में मैं इस कंपनी में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन चुका हूं, और आज मेरे साथ आने वाले लोग मैं देखता हूं कि बॉटम लेवल पर भी अच्छी इनकम ले रहे हैं, एक सिल्वर लेवल पर भी यहां पर 25-30 हज़ार रुपए की इनकम लोग अचीव कर रहे हैं। ब्रोंज लेवल जो एक पहला लेवल होता है, इस लेवल पर आकर के भी जो लोग हैं 15,000, 18,000, 20,000 रुपए का चेक ले रहे हैं, और गोल्ड लेवल पर आकर के यानी कि 2 लेग में भी लोग 60-65 हज़ार रुपए की इनकम मेरी टीम में ली है। दोस्तों वेस्टीज एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम है जिसमें 1 लेग से भी आप 10 लाख रुपए तक के पेआउट पर पहुंच सकते हैं, ये इस प्लान की खासियत है। आज मैंने देखा है इस प्लान में कि वेस्टीज में जो लोग बाइनरी की बात करते हैं, अरे वेस्टीज में अगर आप 1 लेग में भी काम करते हैं यानी कि सिल्वर भी मेंटेन करते हैं तो भी आप बाइनरी वाली कंपनी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और सोचो कि अगर आपने 2 लेग चला ली वेस्टीज में यानी कि आपने सिर्फ गोल्ड भी मेंटेन कर लिया तो आप यहां पर लखपति बन सकते हैं। इस प्लान में ताकत है, इस प्लान में 5 करोड़ रुपए मंथली कमाने की भी ताकत है, और आज जो है 2.25 करोड़ का चेक लेने वाले भी वेस्टीज से ही है। तो मुझे प्राउड है इस कंपनी का हिस्सा बन करके। ये शॉर्टकट के चक्कर में मत जाइए, ये बाइनरी कॉन्सेप्ट 2 लेग वाली कंपनी के चक्कर में फंस के कोई भी व्यक्ति मिलियनर बिलियनर नहीं बन सकता। और आप ये जो करेंसी वाले सिस्टम में फंसेंगे तो आप मेरी वीडियो को जो है रिकॉर्ड करके सेव कर लीजिए। जो लोग हवा में हैं आने वाले समय में, हम लोग आप लोग 1 साल बाद जब बैठेंगे तो आप लोग खुद बताएंगे कि कितना आपने अपना लाखों का चूना लगवा लिया हो ऐसी कंपनियों में जा करके। दोस्तों ये मेरा पिछले 13 साल का तजुर्बा है, और मेरा ही नहीं, इस इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज लीडर्स हैं, जितने भी मिलियनर्स हैं, जितने भी करोड़पति हैं, उन सब का ये एक्सपीरियंस है कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ करके इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनी में बिल्कुल भी ना जाएं। दोस्तों आज वेस्टीज जैसी कंपनी लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। आपको भी अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो आप आइए, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग इंडियन कंपनी को लेकर के जाएंगे और अपना नेटवर्क, अपना साम्राज्य बनाएंगे। और इस कंपनी की एक खासियत ये है कि आप अपनी इंडियन आईडी के नीचे ही इंटरनेशनल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई जैसे कंट्री में भी अपना नेटवर्क बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्लान है, बहुत ही इजी है, अचीवेबल प्लान है। यही कारण है कि वेस्टीज के टॉप लेवल पर यानी कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पर भी आज 350 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। आज वेस्टीज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसका नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, और वैसे भी कहा जाता है कि वेस्टीज का जो हिंदी मीनिंग है वो है फुटप्रिंट। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे पद चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है कि आने वाली जनरेशन, आने वाली कंपनी जिसको फॉलो करने वाली है। तो आइए, और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब सब जगह आपको मिलेगा। आप और हम मिलकर के कुछ बड़ा करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगेन। और अभी हम घूमने के लिए आए हुए हैं, साथ में मीटिंग करने के लिए भी आए हुए हैं, साथ में बिजनेस करने के लिए भी आए हुए हैं। इस बिजनेस की खासियत है कि एक नेटवर्कर घूमता भी है, एंजॉय भी करता है, अपनी लाइफ को जीता भी है और बिजनेस भी करता है। तो फिलहाल मैं कश्मीर की वादियों में घूम रहा हूँ और सोचा कि आपसे 2 मिनट बात कर ली जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग मिलकर के इतिहास रचने वाले हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ, मिलते हैं। आज फिर थोड़ी थोड़ी आपको झलकियाँ दिखाने वाले हैं लाइव आकर के, कश्मीर की वादियों में आपको भी घुमाएंगे। थैंक यू।